हेलो, आप कार लेके आ जाइए। क्या नहीं आ सकते? चलिए ठीक है। टैक्सी चाहिए? टैक्सी झलवा चलेंगे क्या? जी जी आइए आइए। हाँ वैसे रहने वाली कहाँ की है मैडम? उससे आपको क्या, गाड़ी चलाइए। वैसे आप ये सुनसान रास्ते से क्यों लेके जा रहे हैं मेरे को? और दूसरा रास्ता भी तो है। मैडम ये रास्ता पास पड़ेगा इसीलिए। वैसे जल्दी चलिए, ठीक है। मैं अच्छे से जानती हूँ आप जैसे लोगों को। मैडम आप इतनी रात को उतरी हुई हैं अकेले, डर नहीं लगता है? रात को सेफ नहीं है ये जगह। ऐसा है, आप ढंग से गाड़ी चलाइए वरना उतार दीजिए, मैं खुद ही चली जाऊंगी। इतनी रात को अकेले कहाँ छोड़े हम आपको? आपको सलामती से आपके घर पहुंचा देंगे, चिंता मत करिए। आप गाड़ी रोकिए, ऐसा है मैं खुद ही चली जाऊंगी। अरे रुक, मैडम सुनिए तो। अरे आप बोल रहे हैं ना, आप रुकिए। हम पहुंचा देंगे ना आपको। गाड़ी रोकिए पहले, हम चिल्लाने लगेंगे। गाड़ी रोकिए, हम खुद ही चले जाएंगे। पता नहीं कौन से सुनसान रास्ते से आप मुझे लेके जा रहे हैं, कोई दिख भी नहीं रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है। ये कहाँ जा रही है इतनी रात को? अरे भाई कहाँ पीछे पीछे बताओगे, कहाँ पीछे जा रहे हो बताओगे, कहाँ पीछे क्या, पीछे क्या? मैडम यही घर है आपका? जी हाँ, वैसे आप मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? अरे मैडम हम लड़कियों को मौका नहीं समझते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर गाड़ी में हमने बैठाया तो घर तक उनको सही से छोड़ना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए मैं पीछे पीछे आ रहा था क्योंकि आप अचानक से गाड़ी से उतर गई और घर आपका दूर था। थैंक यू भैया, मुझे लगा कि आप मेरा पीछा कर रहे हो, बट मैंने रास्ते में देखा उन गुंडों से, आपने मुझे बचाया। नहीं मैम, लड़कियां मौका नहीं जिम्मेदारी होती हैं और हमारी जिम्मेदारी थी आपको सेफली घर पहुंचाना। थैंक यू भैया। और हाँ मैम, अगली बार से अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि ना हर आदमी सही होता है और ना हर आदमी गलत होता है। दुनिया में हर तरह के लोग होते धन्यवाद हैं। मैडम।